नीदरलैंड्स को धूल चटाने के एक घंटे बाद आया पाक कप्तान का बड़ा बयान। कप्तान बाबर आजम ने इस खिलाड़ी को दिया जीत का श्रेय, इसे बनाया हीरो। नीदरलैंड्स को हराने के बाद बाबर ने भरी हुंकार, दिया ऐसा बयान सबको किया हैरान। नीदरलैंड्स के खिलाफ बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 की पहली अपनी जीत दर्ज कर ली। हैदराबाद के मैदान पर दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया। इस भिड़ंत को पाक टीम ने गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बूते 81 रनों से अपने नाम कर लिया। वहीं मैच जीतने के बाद बाबर आजम अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ करते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद के फैंस के लिए भी दिल छू लेने वाली बात कही। नीदरलैंड्स को मात देने के बाद कप्तान बाबर आजम ने मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि जिस तरह हैदराबाद के फैंस ने उन्हें प्यार दिया है वो उससे काफी खुश हैं। बाबर आजम ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, जिस तरह से हैदराबाद में फैंस ने हमें प्यार दिया है उससे हम बहुत खुश हैं। हमारी टीम आतिथ्य का आनंद ले रही है। इस जीत से मैं काफी संतुष्ट हूँ। जीत का श्रेय गेंदबाजों को जाता है जिन्होंने बीच के ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी। हमने बीच के ओवर्स में विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद शकील और रिजवान ने एक अहम साझेदारी की और हमें मैच में वापस लाए। रिजवान और साउद ने बल्लेबाजी की, उससे नीदरलैंड पर दबाव बन गया। साउद ने काफी सुधार किया है। हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, हम अपनी योजनाओं पर कायम रहे। आपको बता दें कि हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने पहले बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तानी टीम को न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम एंड कंपनी 49 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और 286 रन ही बना पाई। जवाब में नीदरलैंड्स की पारी को पाकिस्तानी गेंदबाजों ने 41वें ओवर में ही 205 रनों पर सिमटा दिया, जिसके कारण पाकिस्तान को 81 रनों से बड़ी जीत हाथ लग गई। पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद मोहम्मद रिजवान और शाउद शकील के अर्शदकों की बदौलत 286 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम 41 ओवर में 205 रनों पर ढेर हो गई। नीदरलैंड के लिए गेंदबाजी में 4 विकेट लेने वाले बेस्ट लेडर ने 67 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उसके अलावा ओपनर विक्रमजीत सिंह ने भी अर्शदक जड़ा। पाकिस्तान से मिले 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर मैक्स ओडार्ड सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कोलिन एकरमैन खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। एकरमैन पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन इफ्तिखार की गेंद पर स्वीप करने के चक्कर में बोल्ड हो गए। उन्होंने 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाए। इसके बाद नीदरलैंड की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई और नियमित अंतराल पर विकेट चलते रहे। पाकिस्तान के लिए हारिस राउफ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। इसके अलावा हसन अली को 2 विकेट मिले। वहीं मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद को 1-1 सफलता मिली। तो आप भी बाबर आजम के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।